हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बर्ड्स। और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो एमबीए करना चाहते हैं और खासकर एमबीए के बाद वो कंसल्टेंसी के अंदर जाना चाहते हैं या बिजनेस कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं। सो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना यार, बिकॉज आपको कंसल्टेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्या होती है, कौन होता है कंसल्टेंट, क्या होती है कंसल्टेंसी, क्या काम होता है, क्या वर्क है, क्या कॉलेजेस हैं, क्या सैलरी है, क्या एंट्री पोजीशंस हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी स्टडी बस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको मॉक्स एंड वीडियोज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसके अलावा प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybus_। अगर आप स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपको कंप्लीट डिटेल्स www.studybus.co.in पर जाके मिल जाएंगी। डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वीडियोज हैं, सारी ई बुक्स भी मिलती हैं, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, सारी टेस्ट सीरीज भी है, कितनी भी बार देख सकते हो, डाउट फॉरम है, सारे एग्जाम्स कवर करता है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो सारे आपकी स्क्रीन के सामने है। इसके अलावा आपको एक पोर्टल भी मिलता है जिसके अंदर आपको ई बुक्स फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर हम फ्रेंड्स बात करें सबसे पहले कंसल्टेंसी होता क्या है, आज की डेट में सबसे हॉट फेवरेट अगर कोई स्पेशलाइजेशन बन गई है और बहुत ज्यादा डिमांड में है वो कंसल्टेंसी है। तो कंसल्टेंसी के बारे में अगर हम बात करें, खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कि बहुत ज्यादा प्रेफर्ड ये करियर पाथ बन गया है। कंसल्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है टॉप कंपनीज को, कॉर्पोरेट हाउसेस को, बिजनेस एडवाइजर्स को, जो की डिसीजंस या वो डिसीजंस जिसमें बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत क्रिटिकल हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन की बचाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को हायर टारगेट्स पे या हायर हाइट्स पे लेके जाने के लिए जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, उनसे लेने से पहले कंसल्टेंसी से और कंसल्टेंट से कांटेक्ट किया जाता है ताकि वो एग्जैक्टली बता सके कि क्या ये डिसीजंस हमारे लिए फेवरेबल होंगे या एडवर्स हो जाएंगे। अगर फ्रेंड्स हम बात करें खासकर एमबीए के अंदर कि कंसल्टिंग के अंदर, एमबीए के अंदर क्या करवाया जाता है, तो ये हेल्प करता है बच्चों को डेवलप करना बिजनेस नॉलेज। इसके अलावा लीडरशिप स्किल्स भी ये डेवलप करवाते हैं और बच्चों को ड्यूरिंग दी एजुकेशन एंड कोर्स ये खुद स्किल्स भी अपने अंदर इंकल्केट करनी होती है, बिकॉज ये हेल्प करता है आपकी एक्सपर्टीज को इंक्रीज करने में डिफरेंट डोमेन्स ऑफ बिजनेस। और आपको टीच करता है कि कैसे आप अपने बेस्ट स्टेप को आगे रखो जो बिजनेस के लिए परफेक्ट है। आपका क्लाइंट कोई भी हो सकता है, वो एक टेलीकॉम कंपनी हो सकती है, एक फुटवेयर कंपनी हो सकती है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकती है, या एक FMCG कंपनी हो सकती है, या कुछ भी ई कॉमर्स कंपनी हो सकती है। उसके लिए क्या बेस्ट डिसीजन होना चाहिए वो MBA इन कंसल्टिंग या कंसल्टेंट जो बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स होती है वो डिसाइड करते हैं। वाइल परसुइंग MBA इन कंसल्टिंग यू विल लर्न हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ योर बिजनेस नॉलेज, आपकी कंसल्टिंग स्किल्स बढ़ेंगी। ऑल्सो अगर आप इस करियर को चूज करते हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मिलेंगी, बिकॉज टॉप कंसल्टिंग फर्म्स जो होती हैं, जिनके बारे में हम आगे बात भी करेंगे, वो हर साल बहुत सारे MBA ग्रेजुएट्स को हायर करती है, बहुत हैंडसम सैलरी पैकेज देती है और टॉप कॉलेजेस से और टॉप कंसल्टिंग फर्म्स हायर करती हैं। अगर फ्रेंड्स हम ये बात करें कि कंसल्टिंग या कंसल्टेंसी इतनी पॉपुलर होती क्यों जा रही है, इसके पीछे रीजंस क्या है, तो तीन मेजर रीजंस है जिसकी वजह से कंसल्टिंग या कंसल्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, लर्निंग करने के लिए आपको बहुत मिलती है अंदर, क्यों, बिकॉज ये एक असेंशियल स्किल है और किसी भी सक्सेसफुल कंसल्टेंट को लर्न करने की स्किल बहुत अच्छी आनी चाहिए और खासकर तेजी से लर्न करने की स्किल आनी चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस चैलेंजेस आने चाहिए, वैरायटी ऑफ केस वर्क्स के अंदर पता होना चाहिए कि उस बिजनेस की जजमेंट किस तरीके से सबसे बेस्ट रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी डोमेन का क्लाइंट किसी भी तरीके की प्रॉब्लम लेके कंसल्टेंसी या कंसल्टेंट्स के पास आ सकता है जिसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद आपको नेटवर्किंग करने के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, बिकॉज आपको बहुत सारे लोगों के साथ काम करना होता है, सीनियर्स, जूनियर्स, कलीग्स, इसके अलावा आउटसाइडर्स के साथ भी आपको जाना पड़ता है, आपकी साइट विजिट, क्लाइंट विजिट, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं जिससे आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती है।
इसके बाद सब्सिक्वेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत वास्ट अब कंसल्टेंसी के अंदर होने लग गई है, बिकॉज लार्ज कॉर्पोरेशंस जो है दे लव टू हायर फॉर्मर स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स जो दूसरी कंपनीज के अंदर अच्छा वर्क एक्स जिन्होंने एक्वायर कर लिया है, तो टॉप कंसल्टेंसी फर्म्स डेफिनेटली उनको हायर करना पसंद करती है। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भी इंजॉय करती हैं कि भाई वो रिक्रूटर्स रिक्रूट करती हैं कि फॉर्मर कंसल्टेंट्स हमारे पास आ जाएं, बिकॉज इक्विटी फर्म्स को भी कंसल्टेंट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और खासकर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को यहाँ पे बहुत प्रेफर किया जाता है। तो सब्सिक्वेंट अपॉर्चुनिटीज भी आपको बहुत सारी मिलेंगी प्रोवाइडेड आपके पास बस रेलिवेंट वर्केक्स होता चला जाए। अगर हम बात करें कि कंसल्टेंट के काम क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको क्लाइंट को वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो क्लाइंट आपके पास सीख करने आया है। मान लीजिए आपका कोई भी क्लाइंट है, वो आके कहता है कि क्या मैं इस डोमेन में एंटर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो कहे कि क्या मैं मुझे ग्रीन एनर्जी में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उस क्लाइंट को रिपोर्ट बना के देनी होगी कि ग्रीन एनर्जी में अगले 20 साल के कैसे प्रोस्पेक्ट्स हैं, एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्लाइंट्स आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरा HR सिस्टम फ्लॉड है, मेरा CRM सिस्टम फ्लॉड है, या मेरे फाइनेंशियल्स थोड़े पुअर हैं, या मेरा डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मैं कैसे इसको ओवरकम कर सकता हूँ। आपको फिर क्या करना होगा, डायग्नोसिस करना होगा प्रॉब्लम का, रिकमेंडेशंस मेक करनी होंगी उस डायग्नोसिस के बेसिस पे, रिपोर्ट्स आपको देनी पड़ेंगी, सॉल्यूशंस आपको देनी पड़ेंगी, जो सॉल्यूशंस आप दे रहे हो उनको असिस्ट करना होगा कि वो इम्प्लीमेंटेशन आप उसकी करवाओगे। उसके बाद क्लाइंट लर्निंग करवाओगे कि इन फ्यूचर वो ही इसको कर पाए, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको हर चीज में छोटी छोटी चीज में एंटर ना करना पड़े, एंड परमानेंटली ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को कैसे इंप्रूव करा जा सकता है जिस भी चीज में वो ऑर्गेनाइजेशन लैक कर रही है। अगर फ्रेंड्स हम पोजीशंस के बारे में बात करें कि करियर चार्ट किस तरीके से बढ़ता है, तो सबसे पहले जो एंट्री पोजीशन होती है उसको एसोसिएट या जूनियर एसोसिएट कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रैंक होती है वो एनालिस्ट या सीनियर एनालिस्ट होती है, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद सीनियर मैनेजर, फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस, फिर MD, चेयरमैन, CEO, इस तरीके से कंसल्टेंट की पोजीशन बढ़ती रहती है। अगर फ्रेंड्स हम एंट्री पॉइंट्स के बारे में बात करें, अगर किसी कंपनी के अंदर एसोसिएट बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन है तो एसोसिएट्स सबसे ज्यादा हायर करे जाते हैं ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, फॉर एग्जाम्पल उन कोर्सेज से जिन्होंने BMS, BBA, BBE या कोई भी मैनेजमेंट या कंसल्टेंसी रिलेटेड कोर्स किया है, वहां से बच्चे हायर किए जाते हैं। जो इसके बाद वाली पोजीशन है एनालिस्ट और मैनेजर की पोजीशन, वो बच्चे हायर किए जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जिन्होंने MBA करी होती है और खासकर कंसल्टेंसी के अंदर स्पेशलाइजेशन करी होती है, या फिर एसोसिएट विद एक्सपीरियंस एंड प्रमोशन एनालिस्ट की पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली एनालिस्ट या मैनेजर की पोजीशन पे आपको जाना है तो आपको MBA करके आना होगा। अगर फ्रेंड्स हम टाइप्स ऑफ कंसल्टेंट्स के बारे में बात करें कि कंसल्टेंट्स किस किस तरीके के होते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हो कि स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स होते हैं जो कंपनी की स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, फिर जनरल मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट में ओवरऑल हेल्प करते हैं, इफेक्टिवनेस इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अगर ऑपरेशंस के अंदर कोई लैग है, कहीं पे किसी तरीके की कोई वेस्ट पॉइंट है या वेस्टेजेस हो रही है, तो उसको ओवरकम किया कैसे जा सकता है, वो काम ऑपरेशन कंसल्टेंट्स का होता है। अगर कहीं फाइनेंशियल्स पुअर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था डेट इक्विटी रेशियो फेवरेबल नहीं है, या डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या जो हमारी वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, या हमें एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए तो हम IPO से लें या वेंचर कैपिटलिस्ट के अंदर जाएं, तो वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट्स आपका काम करते हैं उस चीज के अंदर जहां पे ह्यूमन रिसोर्स आपको उस तरीके के रिटर्न्स नहीं दे पा रहा और उस तरीके का काम आपको नहीं दे पा रहा जैसा कि एक कॉर्पोरेशन को चाहिए, किसी एक टॉप कॉर्पोरेशन को चाहिए। उसके बाद IT कंसल्टेंट सबसे ज्यादा वहां रिक्वायरमेंट होती है जहां कंपनी कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहती है, कोई नया प्रोसेस डेवलप करना चाहती है, कोई नया प्रोग्राम डेवलप करना चाहती है, या किसी तरीके का कोई प्लांट एंड मशीनरी किसी तरीके का सेटअप करना चाहती है जिसमें IT चाहिए, या ऑलरेडी IT सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, उसके अंदर भी IT कंसल्टेंट्स का बहुत ज्यादा काम होता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि कंसल्टेंसी के अंदर 2 साल में MBA के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, तो कुछ कुछ मेजर सब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन के सामने, इसके अलावा आपको जनरल MBA के भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि सबसे पहले कंसल्टिंग, उसके बाद कंसल्टेंसी प्रैक्टिसेस,
फिर पीपल स्किल्स, बिजनेस स्ट्रेटेजी, एसेट वैल्यूएशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस एथिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, खासकर ऑपरेशंस में काम आती है ये, नेगोशिएशंस, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, इनोवेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इसके अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट्स है जो कंसल्टिंग के अंदर पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद सबसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि हमें समझ आ गया कंसल्टेंट्स का क्या काम है, हमें समझ आ गया कंसल्टेंट्स क्या क्या करते हैं, हमें ये भी समझ आ गया कंसल्टेंसी के अंदर हम कहाँ से एंटर कर सकते हैं, लेकिन कंसल्टेंट्स कमाते कितना है अगर उसके बारे में अगर हम बात करें स्टार्टिंग, तो आपके सामने ये डेटा है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एज एन एसोसिएट हायर होते हो किसी कंपनी के अंदर, तो ग्रेजुएट की जो सैलरी है डिपेंडिंग ऑन दी वर्क, उसको क्या मिला है, क्या प्रोफाइल है, इट कैन गो फ्रॉम 3 lakhs to 12 lakh रुपीज के बीच में रहती है। लेकिन ये ही काम अगर आप MBA करके एंटर करते हो, यानी कि एज एन एनालिस्ट और मैनेजर की पोजीशन पे आप एंटर करते हो, तो आपकी सैलरी कहीं भी 10 से लेके 30, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी हो सकती है। बट आपकी सैलरी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिटरमिंड होती है कि आपके कॉलेज की रैंकिंग क्या है, रेप्यूटेशन क्या है, ब्रांड क्या है, कितनी कंपनीज आई, कितना वहाँ पे बैच साइज है, पास्ट रिक्रूटमेंट हिस्ट्री कैसी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, एल्यूमिनाई नेटवर्क कैसा है, बतेरी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे CTC डिसाइड होता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं जहां से MBA कंसल्टेंसी या कंसल्टिंग करी जा सकती है, तो पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। वैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आज की वीडियो के अंदर मैंने लिमिटेड लिस्ट ली है। फॉर एग्जाम्पल IIMs के बारे में बात करें तो टॉप IIMs की लिस्ट आपके सामने है, ABC, अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, इंदौर, लखनऊ, कोझिकोड़े, शिलोंग, रोहतक और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद XLRI जमशेदपुर बहुत अच्छा कॉलेज है, IFT इंटरनेशनल बिजनेस में कराता है, लेकिन यहाँ से भी बच्चे कंसल्टिंग के अंदर जा सकते हैं। FMS तो बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज भी आप इसे कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फीस बहुत कम है और सैलरी बहुत हाई है। ISB हैदराबाद बहुत अच्छा है, MDI गुड़गांव, SP जैन अमेजिंग कॉलेज, SIBM पुणे, NMIMS मुंबई, IMI दिल्ली और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कंसल्टिंग के अंदर बहुत अच्छे हैं। अगर आपका इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हो जाता है तो आपको बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं कंसल्टेंसी के अंदर अपना करियर बनाने की। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि कौन सी टॉप कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड कंसल्टिंग के अंदर जहां पे बहुत ही ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो स्क्रीन के सामने आपके सामने आ गई है कि एक्सेंचर है, डेलॉयट है, KPMG है, PwC है, बहुत ही हॉट फेवरेट बेन है, EY है, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप है, मैकिन्जी है, केप मिनी है, ब्रायन है, एलिक्स पार्टनर्स है, ANM है, एफिशियो है, LCP है, ये सारे टॉप कंसल्टिंग कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड। अगर इसके अलावा फ्रेंड्स और भी बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी है, फॉर एग्जांपल TCS है और भी TCS जैसी बहुत सारी कंपनीज है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप एक अच्छी जगह से अपनी एजुकेशन करते हो तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, God bless you.